तो चलिए अब हम जानते हैं हैंडराइटिंग लेयर को किस तरीके से अपने वीडियोस पे वर्क कर सकते हैं। आपको लेयर पे जाना है, फिर हैंडराइटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पे पेंसिल देखने को मिलेगा, इससे आप मार्क कर सकते हैं, फ्री मार्क कुछ इस तरीके का। अगर आप पहला वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन मार्क कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप सेकेंड ऑप्शन पे जाते हो, आप एरो मार्क कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस तरीके से जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। थर्ड ऑप्शन हमारा कुछ इस तरीके का काम करता है, चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे आप देखते हैं, आप दोनों साइड एरो को मार्क कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन हमारा ब्रश पेन का वर्क करता है, इस तरीके से आप कुछ भी राइट कर सकते हो। और फिफ्थ ऑप्शन हमारा पेंसिल का वर्क करता है, इसमें भी फ्री हैंड पे आप कुछ भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आप इसी तरीके से इन सारे टूल्स का यूज कर सकते हो। साथ ही हमारा जो अगला ऑप्शन है कुछ इस तरीके का मार्क होता है, आप इस क्रॉस मार्क की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर सकते हो, या फिर आप इसे मल्टीप्लाई का साइन भी समझ सकते हो या एक्स का साइन भी समझ सकते हो। अगला मार्क हमारा कुछ इस तरीके का आता है, फिर से अगला मार्क हमारा सर्कल का आता है। उसके बाद आप इस ऑप्शन की मदद से वीडियो पे आप इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को बड़े ही आसानी से शो कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। और फिर अगले ऑप्शन की ओर बढ़े तो सर्कल का मार्क आता है, इससे भी आप चाहे तो राउंड शेप पे आप आसानी से मार्क कर सकते हो। और अगर आपको सारा कुछ इरेज करना है या फिर कलर को चेंज करना है तो आप इसकी मदद से आप यहाँ पे कलर को बड़े ही आसानी से चेंज कर सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे कलर चेंज होता है। और अगर आपको पूरा आपको रब करना है, इरेज करना है, तो आप इस इरेजर की हेल्प से सारा कुछ आप इरेज कर सकते हो। और साथ ही इसके पॉइंटर को अगर इंक्रीज करना है तो आप इस ऑप्शन की मदद से इसके इरेज पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हो बड़े ही आसानी से। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हमारा जो पेज है वो एक ही बार में पूरा रब हो जाए, तो आप इस वाले ऑप्शन से पूरा एक ही बार में रब कर सकते हो पूरे पेज को। तो ये थे हमारे हैंडराइटिंग लेयर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर और जानते हैं क्रोमा की को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं काइनमास्टर पे।